कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम स्टैंडर्ड 8 के अंदर चैप्टर नंबर है हमारा 9, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम लोग। तो पहले तो इसके बारे में हमें बेसिक बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नॉलेज वाली फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ, कौन कौन सी फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल होगी यहाँ पर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए होगी फॉर्मूला एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो आपकी फॉर्मूला यह रहेगी, अगर ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, यहाँ पर भी कोई वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर भी कोई वेरिएबल है एक्स स्टूडेंट, तो ये वेरिएबल का स्क्वायर यानी पूरे टर्म ब्रैकेट का स्क्वायर, अगर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा तो ऐसे ओपन होगा। इसकी ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मूला रहेगी स्टूडेंट। आई बात समझ में? सेम थिंग दूसरी फॉर्मूला करवा रहा हूँ, सेम फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसमें किसी को कुछ चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस सब्स्टिट्यूट करना है। रेडी? तो अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस और ऑल ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो आपको फॉर्मूला रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर। आई बात समझ में स्टूडेंट? डाउट है कोई? पर सब पता कैसे चलेगा कि कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है? बेटा जब हम ऑल ब्रैकेट स्क्वायर वाली फॉर्मूला यूज करते हैं तब हमें एक ब्रैकेट होगा और उस ब्रैकेट के ऊपर जो भी स्क्वायर होगा उस फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तब यही फॉर्मूला आएगी। आ रही बात समझ में? अब थर्ड कंडीशन के अंदर क्या है स्टूडेंट, क्योंकि पर्सनल स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस की साइन हो, पर्सनल स्क्वायर हो और बीच में माइनस की साइन हो, तो इस ब्रैकेट को हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस। पहले ये चैप्टर समझने में से पहले ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता मिल गई चल गई तो आपको पता चल गया कि कौन सी इक्वेशन कैसे रखते हैं हम लोग। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इजी है कुछ हार्ड है नहीं? रेडी? चलो आई बात समझ में? चलो इसी फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, यानी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर था, उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप जाओगे तो चलो मैं ये आपके पास क्वेश्चन है 3a प्लस 2 होल स्क्वायर। आप देख सकते हो कि अंदर एक वेरिएबल है इसलिए इनका एडिशन तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या करनी पड़ेगी, हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी फॉर्मूला भी है आपके पास, देखो है ना, दो टर्म है, बीच में प्लस की साइन है और होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो आपको यही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3a, तो 3a होल स्क्वायर रेडी प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 फर्स्ट टर्म यानी 3a यानी एक्स और सेकेंड टर्म यानी 2 प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। आई बात समझ में स्टूडेंट? ये 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, रेडी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12a प्लस 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? डाउट है कोई को इसमें कुछ? तो ये रही आपकी सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके से हो सकती है। आई बात समझ में? एक और बार समझाऊ? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 4y माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि ये बीच में माइनस की साइन है, ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, इसलिए यही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है सिर्फ, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है,
यही मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस सब्सटीट्यूट करो आप लोग, तो फॉर्मूला तो वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। रेडी, तो सब्सटीट्यूट करो, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4y ऑल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 4y इंटू 3। रेडी रेडी, फॉर्मूला तो वही है ना, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4y है उसका स्क्वायर, बीच में माइनस एज इट इज, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। रेडी, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9, इट इज योर आंसर। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अरे बात समझ में कि नहीं, अरे बात समझ में? डन, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो कुछ ऐसा दिक्कत है, क्वेरी है, तो बोल देना। ओके, डन स्टूडेंट, आई बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर, देख लो अच्छी तरीके से पहले ये, बाद में दूसरा भी करवाऊंगा, थोड़ा सा हार्ड भी करवाऊंगा। चलो एक दो एग्जांपल और सिखाऊंगा। और आप 5 है प्लस 2 भी ऑल स्क्वायर है, देखो यहाँ पर दोनों वेरिएबल, फिर भी यही फॉर्मूला है कि देख सकते हो आप लोग। ये फॉर्मूला आपको 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम नहीं, 5 टाइम, जितनी बार आपको लिखनी है लिख लो, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे स्टूडेंट, अभी तो ये एज स्टैंडर्ड है, 9th आओगे, 10th आओगे, 11th आओगे, 12th आओगे, जब तक यहाँ पर पढ़ोगे स्टूडेंट आप लोग, तब तक मैथमेटिक्स में ये तीनों फॉर्मूला तो यूज होने ही वाली है। इससे अच्छा है उस टाइम हमें थोड़ा सी दिक्कत हो समझने में से, तो अच्छा है कि इसी टाइम यहाँ पर ही आप समझ लो, तो आपको यहाँ पर ही कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको यहाँ ही समझ में आ गया तो आगे कुछ दिक्कत होगी नहीं, पर अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे बहुत ही दिक्कत होगी इस चैप्टर के अंदर। रेडी, तो स्टूडेंट इसके पहले यहाँ पर समझ लो हम लोग, 5a प्लस 2b ऑल स्क्वायर है, तो ऑल स्क्वायर है तो ऑल स्क्वायर वाली फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस लास्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पर फर्स्ट की जगह 5 ए है, तो 5a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई यानी 2 इंटू फर्स्ट यानी x, सेकेंड यानी y, तो 2xy है, तो यहाँ पर भी 2, फर्स्ट यानी 5 है, सेकेंड यानी 2b प्लस लास्ट का स्क्वायर y का स्क्वायर यानी लास्ट का स्क्वायर, y की जगह यहाँ क्या है 2b, तो 2b का स्क्वायर। आई बात समझ में? फर्स्ट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर एज इट इज, 2 5 जै 10, 10 2 जै 20, 20 ए बी प्लस लास्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। रेडी, आ गई कि नहीं? ये स्क्वायर दोनों को मिलता है, ये 2 को भी मिलता है, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। आई बात समझ में? ये 5 का स्क्वायर है उसको मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ये 20, ए और बी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी, ये फॉर्मूला है, एक और करवाता हूँ। रेडी, यानी आपको कोई दिक्कत हो नहीं, अगर हो तो भी बोल दें। ओके, आ रही बात समझ में स्टूडेंट? चलो अब 5a प्लस 2b हो गया, अब 2a माइनस 7b ऑल स्क्वायर, इस तरीके से होगी, तब क्या करोगे आप लोग? तो सर ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, बीच में माइनस की साइन है, कन्फर्म यही फॉर्मूला होगी। रेडी, तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, ये बार बार देखने से अच्छा है कि आप स्टूडेंट एक बार अच्छी तरीके से इसे
लर्न कर लो अच्छी तरीके से। अगर लर्न करने रहेगी आपके पास होगी, आपको दिमाग में होगी, तो आपको बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रेडी, टू एज इट इज विच में माइनस की साइन, टू इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी टू ए एंड सेकेंड टर्म यानी सेवन बी प्लस सेवन बी होल स्क्वायर। रेडी, आई बात समझ में? टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, टू इंटू टू एट फोर, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट ए बी प्लस लास्ट का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग टू, यहाँ पर टू को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टू का स्क्वायर फोर, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, टू टू जा फोर, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट ए बी, ए स्क्वायर इन दोनों को लागू पड़ेगा तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन इंटू बी है तो बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? डाउट कोई दिक्कत कुछ क्वेरी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर? डाउट है कोई स्टूडेंट? रेडी, तो ये दो तीन मैंने एग्जांपल भी आपको समझाया कि किस तरीके से होगा। रेडी, तो अब ये समझने से पहले आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये भी इसमें भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर पता होना चाहिए, पर अगर ये आप चार फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे और आपको सम सॉल्व करना है तो आपको थोड़े से स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। तो फर्स्ट का स्क्वायर वन स्क्वायर यानी वन इंटू वन होता है स्टूडेंट, जितनी डिग्री है यहाँ पर डिग्री है उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर आएगा वन। तो सेम कंडीशन टू का स्क्वायर, तो टू मल्टीप्लाई टू करोगे तो आंसर आएगा फोर। थ्री का स्क्वायर थ्री इंटू थ्री यानी स्टूडेंट नाइन, फोर का स्क्वायर फोर इंटू फोर यानी सिक्सटीन। अगर ये वन का स्क्वायर वन है पर वन का स्क्वायर रूट पूछे, अगर आपको पूछा गया कि वन का स्क्वायर तो आप बोलोगे वन, पर आपको पूछा है वन का स्क्वायर रूट तो आंसर वन आएगा। रेडी, अगर आपको पूछा जाए फोर का स्क्वायर रूट तो आंसर आएगा टू। रेडी, आपको पूछा जाए नाइन का स्क्वायर रूट तो आंसर आएगा थ्री। रेडी, आपको पूछा जाए सिक्सटीन का स्क्वायर रूट तो आंसर आएगा फोर। रेडी, रेडी स्टूडेंट? एट का स्क्वायर यानी एट इंटू एट, एट इंटू एट यानी सिक्सटी फोर। रेडी, ये सब स्क्वायर आपको याद रखने हैं। नाइन का स्क्वायर नाइन मल्टीप्लाई नाइन यानी एटी वन। अगर ये आपको स्क्वायर पता नहीं है तो आप अभी लर्न कर लो, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हो रही है हमारी स्टूडेंट। टेन का स्क्वायर टेन इंटू टेन यानी हंड्रेड। रेडी, आई बात समझ में स्टूडेंट? चलो टेन तक तो हंड्रेड हो गया, अब देख लेना स्टूडेंट यहाँ पर इलेवन, इलेवन का स्क्वायर इलेवन इंटू इलेवन वन टू वन, हमें ट्वेंटी फाइव तक याद रखना है। रेडी, ट्वेल्व का स्क्वायर ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व वन फोर्टी फोर। रेडी, थर्टीन का स्क्वायर थर्टीन इंटू थर्टीन वन सिक्सटी नाइन। रेडी, 14 का स्क्वायर 14 इंटू फोर्टीन वन नाइन्टी सिक्स। रेडी, 15 का स्क्वायर 15 इंटू फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव। 16 का स्क्वायर 16 इंटू सिक्सटीन कितना होगा टू फिफ्टी सिक्स। 17 का स्क्वायर 17 इंटू सेवनटीन यानी आंसर होगा टू एटी नाइन। 18 का स्क्वायर 18 इंटू एटीन कितना होगा 324। 19 का स्क्वायर यानी 19 इंटू नाइन्टी 361। और लास्ट वन 20 का स्क्वायर 20 इंटू ट्वेंटी यानी 400।
रेडी, आई बात समझ में? ये आप देख सकते हो 20 तक का स्क्वायर हमने पता चल दिया। अगर आपको पूछे कि 225 का स्क्वायर रूट, तो 15 आएगा। रेडी? तो इसी तरीके से स्टूडेंट, इसी तरीके से 21 का स्क्वायर, 21 × 21 441, 22 का स्क्वायर, 22 × 22 484। रेडी? 23 का स्क्वायर, 23 × 23 529, 24 का स्क्वायर, 24 × 24 कितने आ गया स्टूडेंट, 576, और 25 का स्क्वायर, 25 × 25 यानी 625। क्लियर हो गए स्टूडेंट? ये बात आपको अच्छी तरीके से दिखा, आपको दिख रहा है? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, क्वेरी हो, दिक्कत हो, तो पूछ लो। रेडी स्टूडेंट? अब देख सकते हो आप लोग 26 का स्क्वायर क्या होगा। 26 × 26 यानी आगा 676 हो गया। डन। रेडी? और 27 का स्क्वायर स्टूडेंट, 27 का स्क्वायर क्या होगा? 27 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, याद करो 27 का स्क्वायर होगा 729। 27 × 27 729। और 28 का स्क्वायर, 28 × 28 784। रेडी? 29 का स्क्वायर, 29 × 29 841। और 13 का स्क्वायर होगा, 13 × 13 900। आ रही बात समझ में स्टूडेंट? यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी, डाउट? अगर आपको ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होना ज़रूरी है। रेडी? अगर ये आपको पता नहीं है तो आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। इससे पहले आपको अगर मैं किसी बार टाइम पूछूँ कि बोलो बेटा 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 256 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। रेडी? और ऐसे डायरेक्ट पूछूँ कि 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आएगा 21। 441 का स्क्वायर रूट 21। तो वैसे पूछो 81 का स्क्वायर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट आंसर आएगा 9। और 9 का स्क्वायर पूछूँ तो आंसर 81, पर 81 का स्क्वायर रूट पूछूँ तो आंसर 9। तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों पता होना चाहिए, बरोबर? स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो 81 है, इन ये स्क्वायर रूट की साइन है। अगर ये स्क्वायर रूट निकालना है आपको, 81 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। रेडी? अरे बात समझ में? तो इस तरह से 100 होगा। अगर 100 तो इसको सिंप्लीफाई करने से, सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ, पर आपको सिंप्लीफाई का नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल। 10 का स्क्वायर 100 होता है। इस 100 को आप इस तरीके से लिखते हो, ये 2 और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल, यानी आंसर आएगा आपका 10। रेडी? यानी 100 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट पता हो तो आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर? कन्फर्म क्लियर हो गया स्टूडेंट? अगर आपको पूछे कि 841 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो आप सोचोगे, पर अगर आपको स्क्वायर रूट पता हो, देखो 841 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, क्योंकि 841 29 का स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पर। रेडी? और ये स्क्वायर और ये कट, तो आंसर आएगा 29। आ रही बात समझ में? अगर आपको डायरेक्ट पता हो कि 29 का स्क्वायर 841 है, तो 841 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट 29 आएगा। रेडी? आ रही बात समझ में स्टूडेंट? इसी तरीके से आपको क्यूब भी ढूंढना है, 1 का क्यूब। अभी हमने स्क्वायर के बारे में डिस्कशन की, अब बात करते हैं क्यूब के बारे में। 1 का क्यूब 1, 1 × 1 × 1 जितनी डिग्री उतनी टाइम मल्टीप्लाई, आंसर 1। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 2 का क्यूब 2 × 4 4 × 8 रेडी? 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 3 × 3 यानी 9 9 × 3 = 27
चलो 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 5 की स्क्वायर, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25 × 5 = 125, 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6, 6 × 6 = 36, 36 × 6 यानी 256 नियर्स अबाउट आएगा। रेडी स्टूडेंट, 260। अब 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7 होता है, 7 × 7 यानी स्टूडेंट कितना होता है 49, 49 × 7 करोगे तो क्या आएगा 7। रेडी, 343। अब 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या आएगा, 8 × 8 × 8। रेडी स्टूडेंट, 8 × 8 × 8 करने से आंसर आएगा आपका 512। वैसे ही 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9 यानी 2729, और 10 का क्यूब, 10 × 10 × 10 यानी 1000। रेडी, तो ये है आपका क्यूब और ये है आपका स्क्वायर। आपको दोनों को लर्न करके अच्छी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में बैठना है। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में ये लर्न करके नहीं बैठोगे स्टूडेंट, तो आपको कोई अच्छी तरीके से समझ में आने वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लर्न हार्ड, वर्क हार्ड। रेडी, आई बात समझ में? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, क्वेरी, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता लेना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।